आप बोलोगे तो फिर कैसे होएगा ना लास्ट टाइम है आप जिसको करना है ओके ओके चलो चलो पिया को प्यास लगी मैं पानी भरने को भागी पिया को प्यास लगी मैं पानी भरने को भागी ताला
सैलाब में जब उतरी मैं थोड़ी में मारे घागरे मेरे दरिया बस गया रे बोले गुड़ 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 रे बूंस कर दे अच्छे से रहेगा यहाँ अच्छे लाइट यहाँ लाइट है ना सेफ्टी लेना भाई सेफ्टी ले लो एक It's all about what I heard, you know, it sounds very catchy. It is a very catchy, it is a very fun, folkish, Rajasthani folk type ka, Marwari folk type ka, masti wala gana hai. And I really had a great time, really, it's very thumpy. Kya brief tha music director ka? Aur film ke baare mein kuch brief diya, kya film ke baare mein kuch bataya, association kuch batai? Gaane ke baare mein mujhe bataya gaya tha ki it is a very, you know, एक रेफरेंस दिया गया था जिसके हिसाब से तो सब आएंगे 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 मैडम आ रहे चलो कौन है साथ पानी मांगेंगे मांगेंगे नसीम भाई कौन पूछ रहा भाई सवाल कौन पूछ रहा क्वेश्चन मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी मूवी का ये गाना और श्रुती जी ने बड़ा ही अच्छा गाया है जो मैं चाहता था इस गाने की फील उसी तरीके से उन्होंने गाया है और इंशाल्लाह जब भी ये मार्केट में आएगा तो जरूर लोगों को पसंद आएगा बिल्कुल इट वॉज ग्रेट प्लेजर सिंगिंग दिस इन्होंने बहुत अच्छा कंपोज किया है इसको अरेंज किया है और पूरा मारवाड़ी फोक का फील था एंड आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम बहुत मजा आया रिकॉर्ड करते हुए हमने आपके बहुत सारे ये अलग था क्योंकि मेरे जो पहले के गाने हैं वो चाहे मर जावा हो या अंजन अंजनी के गाने हो सारे मेरे स्लो और मेलोडियस गाने रहे हैं और आज ये गाया है मारवाड़ी फोक जो फोक मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था फिल्म के लिए आज वो गाया है बहुत मजा आया एक लाइन अगर आप पिया को प्यास लागी मैं पानी भरन को भागी पिया को प्यास लागी मैं पानी भरन को भागी तालाब में जब उतरी मैं थोड़ी सी तो फजली मारे घाघरे में दे दरी अजय जी किस तरह की फिल्म होगी ब्रेकडाउन नाम से ही जो थोड़ा बहुत हमें पता चल पाया है सोशल फिल्म है बट क्योंकि आजकल एक्शन बहुत चल रहा है इसमें एक्शन काफी डाल रहा है हमने तो ये सोशल भी है और एक्शन भी है ओके जैसे आपने कहा कि सोशल भी अगर मैं सोशल की बात करूं जैसे आप बोलते हैं कि ना कहीं सामाजिक मुद्दा भी उठाती है जो मुझे समझ में आता है सोशल से अगर मैं बात करूं किस तरह का सोशल इट्स अ स्टोरी ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर हु लव ईच अदर अफेक्शन ईच अदर और उनका सेक्रीफाइस एक दूसरे के लिए दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ द मूवी ओके जैसे आपने बताया कि ये कहानी यू नो स्टोरी अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर एक भाई बहन के प्यार की कुर्बानी की कहानी किस तरह की कुर्बानी किस तरह की किस वो दैट यू विल सी ऑन द स्क्रीन दैट आई कांट देयर आर सो मेनी सेक्रीफाइस ए सिस्टर कैन डू तो मैं बयान नहीं कर सकता अभी ना और स्क्रीन पर मैं क्या आएगा कैसे आएगा और मैं कैसे बता दूं आपको ओके अजय जी एक्शन की अगर आप बात करें हैं तो एक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फिल्मों में बहुत खास रोल प्ले करता है और आपने खुद बताया बहुत एक्शन तो एक्शन के लिए कुछ खास करा है आपने यू नो समबडी फ्रॉम अब्रॉड मेरा बजट वो नहीं है सब इंडियन के आदमी है यहीं के एक्शन करेंगे किस तरह इट्स नॉट
एक्शन जो एक्शन होता है यार, एक्शन इट्स नॉट कारों वाला एक्शन नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन है, गांव का, शहर का। कारों से कहीं आपकी मुराद? नहीं नहीं, कारों का नहीं। कारों से मतलब रोहित शेट्टी की तरह? नहीं, रोहित शेट्टी फिर याद आ जाता है ना, तो वो नहीं है। तो क्या रोमांटिक एंगल भी होगा फिल्म के? नेचुरली वो तो होगा, उसके बिना फिल्म कैसे बने? क्योंकि आपने कहा कि उसके बिना फिल्म नहीं बन सकती, वो तो है ही है। उसके बिना फिल्म कैसे बनाऊंगा मैं? और क्या यूएसपी रहेगी, क्या ऐसी खास चीज रहेगी जो दर्शक को बांधे रहेगी? बांधे रहेगी, मेरा नया है तो मैं भी कहानी बोलूंगा, कहानी की है जो शायद दर्शकों को पसंद आए और देखने आए। श्रुति पाठक जी सिंगर, अभी उन्होंने जो गाना गाया और जो हमने हमने सुना और हमने रिकॉर्ड किया अपने कैमरे, कितना कैची होने लगा गाना, और क्या जरूरत, वाकई में जरूरत थी? डाली मेरी बात सुनो, ये सब प्रोमो के ऊपर है, गाना प्रोमो में आएगा तो कैची हो जाएगा, नहीं आएगा नहीं होगा, सीधी बात है। क्या सिचुएशन की डिमांड थी कि एक आइटम सॉन्ग और इस तरह का गाना पड़ता है फिल्म चलाने के लिए? सिचुएशन बनानी पड़ती है, रियल लेट फेस द फैक्ट। हां, सो इट मींस यू आर सेइंग यू मेड अ सिचुएशन टू पुट आइटम सॉन्ग? आई लव यू ऑनेस्टली। और पूछो, कुछ पूछना है ऑडियंस से? क्या कहना चाहेंगे जब भी फिल्म रिलीज होगी? आज ही कहूंगा इसको जरूर देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप क्या पूछना? आसान सा क्वेश्चन पूछिएगा। आओ जी, आप मुझे क्या रोल कर रहे हैं? हाँ नहीं, मेरा रियल नाम जीत विर्क है। जीत, चलो रोल है सेंटर होगा। मैडम ब्रेक डाउन लुक कहाँ रहेगी? सीधा लुक फिल्म में भी एक्ट करना। हाँ जी, ब्रेक डाउन जाना चाहेंगे कि क्या कुछ किरदार होगा आपका इस फिल्म में और क्या रोल होगा आपका? मेरा रोल स्पाई का है, हीरोइन के साथ है, काफी अच्छा रोल है, आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा जी। और जैसा कि आज सुबह आज मुहूर्त है, गाना रिकॉर्डिंग हुआ, हमने देखा आप भी यहाँ पे थे, कितना पसंद आया आपको ये गाना? बहुत पसंद आया, मुझे तो लगता है कि सुपर डुपर हिट हो जाएगा हमारा सॉन्ग, बहुत कैची सॉन्ग है, अच्छा लगा मुझे तो, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी सिंगर है और बहुत अच्छे इंसान भी है, हाँ मिले उनसे, बहुत श्रुति जी बहुत अच्छे हैं। और फिल्म में का जो फिल्म का जो एक्सपीरियंस था, अगर एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहें, जो एक्टर हैं वो भी नए हैं, आप भी न्यू हैं? आकाश जी मेरे दोस्त हैं और अजय कश्यप सर के साथ मैंने पहले भी मूवी की है, कोयला माफिया, मूवी नेम कोयला माफिया, और मैंने 5 हिंदी फिल्म कर चुकी हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ मैं, और बहुत सारे सीरियल, एक्चुअली मैं इंडस्ट्री में 15 साल से हूँ, और अभी अजय कश्यप सर के साथ ये मेरी सेकंड फिल्म है, अभी देखते हैं क्या होता है, पर उनके साथ काम करने का, अजय कश्यप सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कुछ लोगों का ऐसा तो अभी बहुत आने वाला है, तो आप ढेर सारी शुभकामनाएं, फिल्म का आज मुहूर्त है, पहला गाना हुआ, कश्यप साहब आपने क्यों चुना इस फिल्म को कि आपको डायरेक्शन करना है, ऐसी क्या खास बात लगी? मुझे डियर माल मिल रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, और मेरा ये पेशा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, तीनों चीजें बता दी आपको बेसिकली स्टोरी, यू नो बोलो, ये बोला ना, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, मैं इसलिए कर रहा हूँ, हीरो अच्छा लगा इसलिए कर रहा हूँ, माल मिल रहा है इसलिए कर रहा हूँ, मेरा ये पेशा है इसलिए कर रहा हूँ, यही आता है। म्यूजिक डायरेक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आज का जो गाना रिकॉर्ड हुआ है, उस गाने की सिचुएशन क्या है, किस तरह का गाना है, किस मूड का गाना है, और क्यों चुना आपने श्रुति पाठक? ये हमारा जो गाना आज रिकॉर्ड हुआ है, ये फिल्म का एक आइटम इनका बोल, और राजस्थानी फोक को हमने एक कंपोजिशन बना के इसको पेश किया है, और श्रुति मैडम ने बहुत ही अच्छा गाया है, बहुत ही अच्छा गाया है, आवाज, ये फिल्म का आइटम सॉन्ग है, इंशाल्लाह जब मार्केट में आएगा तो सभी को पसंद आएगा।
फिल्म का आइटम सॉन्ग है, बहुत हिट गाया है, बहुत हिट है, बहुत हिट ट्यून है, ये शर्माता है उनका बोलने में पहला है ना। हाँ। अब रोल तो मेरा सिर्फ है कि मैं एक छोटा सा पात्र हूँ इस फिल्म में और अभिनय कर रहा हूँ इस फिल्म में, और जहाँ तक हम लोग की डिस्कस हुई है और जहाँ तक सर ने बताया है कि तुम ही हीरो हो, तो मुझे खुशी है इस बात को जानकर कि मैं ही इस फिल्म का हीरो हूँ। तो ये ऐसा एक गरीब लड़के का है, ये गरीब लड़के की स्टोरी है जो एक अपने जीवन में सिर्फ दो वक्त की रोटी का और अपने परिवार के खुशियों की तलाश में वो दर बदर कमाने के लिए और सारी चीज़ों करने के लिए चल रहा होता है। ये स्टोरी बेसिकली स्टार्ट होती है एक छोटे से बीकानेर के गांव से, जहां से वो शुरू होती है और अपने परिवार, सॉरी थोड़ा सा मुझे ये हो रहा है कहने में कि ये स्टोरी सिर्फ फैमिली की है, क्यों नो, ये फैमिली की स्टोरी है और एक हीरो की कहानी है जो चाहता है हीरो अपनी फैमिली को यू नो एक आगे लाइफ में बढ़ाना, मगर वो नहीं कर पाता, उसके लाइफ में बहुत सारी ब्रेकडाउन आ जाती है जिसकी वजह से वो काफी छूट सा जाता है अपने जीवन में। इसमें टोटल 6 सॉन्ग होंगे जिसमें अभी आज म्यूजिक डायरेक्टर रफी गाजा ने जो गाना बनवाया है वो आइटम सॉन्ग है जो विलेन के हवेली में बजेगी ये गाने, और बाकी 6 सॉन्ग है वो डिस्क्लोज तब की जाएगी जब आगे के प्रोसीजर और भी हमारे बढ़ेंगे। शूट तो बीकानेर और मुंबई में होगी, फर्स्ट जो फर्स्ट शेड्यूल हमारी जाएगी वो बीकानेर में जाएगी।